नमस्कार। उम्मीद है बसंत पंचमी की सभी तैयारियां आपने कर ली होंगी, और जो पतंग उड़ाना पसंद करते हैं उन्होंने उसका भी इंतज़ाम कर ही लिया होगा। तो आइए सरस्वती पूजन के समय एक छोटा सा उपाय और कर लेते हैं, जिससे हमारे बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी और उसका पढ़ने में ध्यान भंग नहीं होगा, एकाग्रता अच्छी बनी रहेगी। इसके लिए आप जिस भी तरह से सरस्वती पूजन करते हैं अपने तरीके से सरस्वती पूजन करें, मूर्ति का या तस्वीर की, जिसकी भी पूजा आप करते हैं, जैसे भी करते हैं वो करें। अपने बच्चे को भी साथ में बिठा लें और उससे भी पूजन अवश्य कराएं। इसके साथ ही एक नई कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठें, उसका पूजन करें और हल्दी या केसर से उस कॉपी में, नई कॉपी में आप स्वास्तिक बनाकर बच्चे से उस स्वास्तिक पर सफ़ेद या पीले रंग का पुष्प अर्पित कराएं, गंगा जल के छींटे लगवाएं। और अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और वो सरस्वती वंदना या सरस्वती श्लोक बोल सकता है तो वो उसको बोलने को कहें, और ऐसा करके उस कॉपी को आप बच्चे को यूज करने के लिए दे दें, उस कॉपी और पेन को बच्चे को यूज करने के लिए दे दें और उस पर वो अपना जो भी कार्य करना चाहे करें। इस एक छोटे से उपाय को करने से आपके बच्चे की एकाग्रता में वृद्धि होगी और उसका पढ़ने में मन लगने लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार।